दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल में कुछ ऐसी सेटिंग करना चाहते हो? मान लो कि अगर आपको कोई बंदा जो है वो बार बार कॉल करके परेशान करता रहता है, वो आपको जो है वो बार बार कॉल कर रहा है, और आप चाहते हो कि उस बंदे के नंबर पर जो है वो मैं कुछ ऐसी सेटिंग कर दूं कि जब भी वो मेरे को बंदा जो है वो कॉल करे, वो बंदे को जो है वो मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ बताए, पर वो आपका नंबर जो है वो ऑन होगा, आपका जो नंबर है वो उसी बंदे को ही जो है वो स्विच ऑफ बताएगा जिस बंदे के नंबर पर जो है वो आप सेटिंग करोगे। तो दोस्तों, ऐसी सेटिंग आप क्या कर सकते हो अपने मोबाइल में, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने करना है क्या है, सेटिंग को करने के लिए आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को जो है वो ओपन कर लेना है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। तो आपने फोन की सेटिंग पर करना है क्लिक। फोन की सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जो है वो काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने करना है क्या, आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद में आपको आपने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन वाला। तो आपने करने के आपने सिंपली से जो है वो फोन वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे ही दोस्तों आप फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको यहां पर जो है वो फिर से काफी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आपने नीचे की तरफ को आना है, जिस भी सिम पर आपको जिस भी नंबर पर वो कॉल कर रहा है, आपने उस सिम के जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर जो है वो चले जाना है। मान लो कि आपको जिस भी नंबर पर वो कॉल कर रहा है, जिस भी सिम पर कॉल कर रहा है आपको, आपने उस नंबर पर जो है वो उस सिम को जो है वो कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे ही आप कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आपने यहां पर जो है वो ध्यान से देखना है और समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपने जो है यहां पर जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देने। जैसे ही दोस्तों आप ऑलवेज फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने यहां पर वो नंबर डालना है जो नंबर जो है वो आपकी जो कोई सिम है जो है वो आपकी बंद हो गई है, या जो आपका नंबर जो है वो बंद हो गया है, कोई भी नंबर है वो आपका जो है वो अब चल नहीं रहा, वो सिम जो है वो आपकी एक्टिवेट नहीं है, उस सिम का नंबर जो है वो आपने यहां पर डाल देना है। मान लो कि आपने कोई भी सिम का नंबर यहां पर डाल दिया, उसके बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, मान लो कि आपने सिम का नंबर डाल दिया जो आपकी बंद है, उसके बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने जो है वो अनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने हैं। दोस्तों, इससे होगा क्या, आपकी कॉल जो है वो उस नंबर पर जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी जो नंबर जो है वो आपका जो है वो बंद रहता है, जो नंबर जो है वो आपका जो है वो स्विच ऑफ रहता है, डीएक्टिवेट रहता है। इससे होगा क्या, अगर आपको जो है वो बंदा जो है वो जो आपको कॉल करके जो है वो बार बार परेशान करता रहता है, वो अगर कॉल करेगा तो उस बंदे को बताएगा कि यह सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो गई है, या उसको बताएगा कि यह नंबर जो है वो स्विच ऑफ है। तो दोस्तों, ऐसे आप जो है वो अगर आपको कोई भी कॉल करके परेशान करता रहता है, तो इस तरीके से आप जो है वो अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हो। पर दोस्तों, इससे होगा क्या, मान लो कि आपने यहां पर जो है वो डीएक्टिवेट रहने वाला नंबर जो है वो डाल दिया है, तो उससे होगा क्या, अगर आपको कोई दूसरा पर्सन भी कॉल करेगा तो उसको भी जो है वो आपका नंबर जो है वो आपका फोन जो है वो स्विच ऑफ ही बताएगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। काफी सारे लोग आपको बोलते रहते हैं कि आप जो है वो एक नंबर पर जो है वो ये सेटिंग कर सकते हो कि वो बंदा फोन करेगा तो आपका नंबर जो है वो स्विच ऑफ बताएगा। दोस्तों, ये एक नंबर पर लागू नहीं होगा, अगर होगा तो वो सारे ही नंबर पर लागू होगा, कोई भी अगर आपको कॉल करेगा तो सभी को ही जो है वो आपका नंबर जो है वो स्विच ऑफ बताएगा। पर दोस्तों, अगर आप जो है वो किसी को कॉल करना चाहोगे तो आप कॉल कर सकते हो इस सेटिंग को करने के बाद में। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।